फतेहपुर ब्लॉक कांग्रेस की अहम बैठक शिवा रिजोर्ट फतेहपुर में हुई, जिसमें पार्टी के समस्त कार्यकर्ताओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और स्वर्गीय सुजान सिंह पठानिया के पुत्र भवानी पठानिया के समर्थन में जिंदाबाद के नारे लगाए। मंच पर प्रवक्ताओं ने भवानी के लिए हाईकमान से टिकट की मांग की और कहा कि फतेहपुर में जो विकास हुआ है उसको स्वर्गीय सुजान सिंह पठानिया ने करवाया है। भवानी पठानिया ने अपने संबोधन में अपने जीवन का परिचय पहाड़ी भाषा से करवाया। उन्होंने कहा कि फतेहपुर की समस्त जनता मुझे पठानिया साहब की तरह अपना आशीर्वाद देती है तो चुनाव अवश्य लड़ूंगा। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि भाजपा की करनी कथनी में अंतर है, भाजपा के लोग भोली भाली जनता को ठगते हैं। उन्होंने कहा कि यह फतेहपुर का उपचुनाव पैसे और शराफत के दम पर होगा। ये सेमीफाइनल होगा अगले चुनाव का, जो कि 18 महीने बाद है। अगर ये चुनाव हम जीत जाते हैं, इससे एक डायरेक्शन ये जाएगी, इससे हवा ये रह जाएगी कि जयराम सरकार जो है वो विफल हो गई है और अब हवा बदल रही है, जनता जागरूक हो गई है और उनके आगे और ये चुनाव को इसलिए जीतना है क्योंकि ये चुनाव जो है वो अगले चुनाव की दिशा और दशा है वो तय है और इसके लिए आपका सहयोग चाहिए। ये मेरी तीन गल मेरी ये है कि विकल्प सिर्फ एक है, कहीं विकल्प है कांग्रेस पार्टी। ये जो परिवार है तू बैठे ना, ये कांग्रेस पार्टी का परिवार है, ये सुजान सिंह पठानिया का परिवार नहीं है, ये कांग्रेस पार्टी का परिवार है। जेड़े मेरे भाई के टिकट मंगा रहे सही साढ़े परिवार है। अगर हम संगठित होके चले तो कोई भी जो चुनौती है वो बड़ी नहीं है। कने उन एक चुनाव में ना एक गल दिखनी है, ये चुनाव मुख्यमंत्री नहीं लड़ेंगे, ये चुनाव लड़ेगी बीजेपी लड़ेगा, ये चुनाव लड़ेगी केंद्र की सरकार। कने एक गल पक्की है, पैसे च झूठ बोलने च कने डराने च असा इन्हों का मुकाबला करी नहीं सकते है कि नहीं ना साढ़े पैसा जितना इन्हें बहाना पिछली बारी मैं देखा मतलब इन रॉय स्टाइल दिन पेटिंग नहीं खेडिया जा रही पता नहीं होगा क्यों हूँ कि ना क्या होया सभी पता नहीं पर वोट बंद हो गए। दूसरी गल 13 तरीक को मुख्यमंत्री आ रहे हैं, है बहुत है केंद्रीय यूनिवर्सिटी जी है ना जी अजे तक करनी है, इस हफ्ते तक नहीं आना, मतलब देने को तो कुछ भी दे सकते हैं। पिछले चुनाव प्रचार में कुछ बोलिया कि 2,500-4,000 करोड़ जरा सा मैं तो फतेहपुर को ऐसे ले आऊँगा, मैं तो दूर दूर नहीं आया ना, नहीं आऊँगा मतलब जी झूठ बोलना तो छोटा क्या बोलना, बड़ो तो ऐसा बोलो कि मतलब लोगों के मतलब मुँह कटोइया ना अच्छा